हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एन आई एस थ्री थ्री टू पेंटिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू मैक्सिम मार्क्स थर्टी एंड पासिंग मार्क्स इज टेन टाइम ड्यूरेशन इज वन एंड हाफ आवर्स ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी सी लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वन राइट अ नोट ऑन अ पेंटिंग बाय नैन सुक चित्रकार नैन सुक की एक चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें नैन सुक वॉज वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल ही वॉज़ पेट्रोनाइज बाई राजा संसार चंद ही पेंटेड पोर्ट्रेट ऑफ राजा संसार चंद विथ हीज़ फ्रेंड किंग ऑफ चंबा नैन सुख पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे उसे राजा संसार चंद का संरक्षण प्राप्त था उन्होंने अपने दोस्त चंबा के राजा के साथ राजा संसार चंद का चित्र बनाया टू लिस्ट द डिफरेंट सेंटर्स ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट कंपनी चित्र शैली के विभिन्न नाम सूचीबद्ध करें मेनी डिफरेंट कंपनी स्टाइल्स एंड सेंटर्स डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया मैनी पेंटर्स फ्राम मुर्शीदाबाद ऑफ वेस्ट बंगाल माइग्रेटेड टू पटना अराउंड सेवनटीन सिक्सटी सी इंस्पायर्ड बाई द ट्रेंड्स देयर स्टाइल बिकम पॉपुलर इन तंजोर तेंचनोपल्ली दिल्ली कोलकाता बनारस एंड लखनऊ भारत के विभिन्न हिस्सों में कई अलग अलग कंपनी शैलियों और केंद्रों का विकास हुआ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार सत्रह सौ साठ सी ई के आस पास पटना चले गए प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर उनकी शैली तंजोर त्रिचनोपल्ली, दिल्ली कोलकाता बनारस और लखनऊ में लोकप्रिय हो गई थ्री राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ धक्किन पेंटिंग धक्कन शैली की चित्रकला के विभिन्न चित्रों के नाम लिखें धक्कन रीजन कंटिन्यूड द हिंदू ट्रेडिशन अंडर विजयनगर किंग्स वाइल्ड मुस्लिम वेयर रूलिंग नॉर्दर्न पार्ट नागरा बीजापुर एंड गोलकंडा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स एलॉन्ग विथ हैदराबाद स्कूल वेयर डेवलप्ड अ स्टाइल ऑफ डिफरेंट टेक्निक अपियर्ड इन तंजोर दक्कन क्षेत्र ने विजयनगर राज्यों के अधीन हिंदू परंपरा को जारी रखा जबकि मुस्लिम उत्तरी भाग पर शासन कर रहे थे हैदराबाद स्कूल के साथ नागरा बीजापुर और गोलकंडा शैली के चित्रों का विकास हुआ तंजोर में अलग तकनीक का एक अंदाज नजर आया फोर हाउ डज फोल्क आर्टिस्ट हेल्प द रूलर सोसाइटी लोक चित्र कलाकार ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं एक्सप्रेशन थ्रू आर्ट इज़ एन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग फोल्क आर्ट इज़ द सेम वे स्प्रिंग्स एट अ ग्रास रूट लेवल दिस सिंपल फोल्क आर्टिस्ट नॉट ओनली सटिस्फाई द एथेस्टिक सेंस ऑफ रूरल पीपल एट द सेम टाइम हेल्प देम बाई प्रोड्यूसर्स यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट फॉर देम फोल्क आर्टिस्ट आल्सो डेकोरेट देयर होम विथ पेंटिंग्स फोल्क आर्टिस्ट आर इन्वॉल्व इन ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ रूरल सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल मादावी पेंटिंग इज मस्ट इन रूरल लाइफ काली घाट पतचित्रा आर टूल्स ऑफ सोशल एजुकेशन एंड वार्लिक्स एक्सप्रेस देयर इमोशन थ्रू देयर पेंटिंग्स कला के माध्यम से अभिव्यक्ति मानो की एक अंत निर्हित गुणवत्ता है लोक कला उसी तरह है जैसे घास के स्तर पर स्प्रिंग ये सरल लोक कलाकार न केवल ग्रामीण लोगों के सौंदर्य शास्त्र की भावना को संतुष्ट करते हैं एक ही समय में उनके लिए उत्पादकों की उपयोगितावादी वस्तुओं द्वारा उनकी मदद करते हैं लोक कलाकार भी अपने घर को चित्रों से सजाते हैं लोक कलाकार सभी धार्मिक अनुष्ठानों में ग्रामीण समाज के त्यौहारों में शामिल हैं उदाहरण के लिए माधवई पेंटिंग ग्रामीण जीवन में होने चाहिए काली घाट पता चित्र सामाजिक शिक्षा के उपकरण हैं और वार्लिस अपने चित्रों के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हैं फाइव राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुतुब मीनार कुतुब मीनार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कुतुब्दीन एबक कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार इन दिल्ली एज अ सिंबल ऑफ विक्टरी इन थर्टीन सी किंग इल्तुमस एडेड थ्री मोर स्टर लेटर फिफ्थ स्टोरी वॉज एडेड इन फ़िरोज सा तुगलक रेड एंड व्हाइट सैंडस्टोन्स आर यूज द टॉप फ्लोर इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंडो तुर्किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिप सपोर्टिंग इट्स बालकोनीज़ जियोमेट्रिकल डिज़ाइन एंड एरेबिक इंस्क्रिप्शन आर देयर कुतुबुद्दीन एबक ने तेरह ईस्वी में जीत के प्रतीक के रूप में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किया राजा इल्तुमिस ने बाद में तीन और मंजिलें जोड़ी पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है शीर्ष स्थल सफ़ेद संगमरमर से बना है यह इंडो तुर्की शैली की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है इसकी बालकोनियों को सहारा देने वाली मजबूत पसलियाँ हैं जायमितिया डिज़ाइन और अरबी शिला हैं सिक्स डिस्क्राइब द साइट मीडियम एंड साइज़ ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित कलाकृतियों के स्थान माध्यम तथा माप बताएं ए मदर गॉडेस बी सील विथ बुल डिजाइन ए इट इज फाउंड इन मोहनजोद्रो ऑफ हड़प्पा पीरियड इट इज मेड ऑफ टेरोकोटा द साइज इज 8.5 पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर बी फाउंड इन मोहनजोद्रो एंड मेड ऑफ स्टीटाइट द साइज इज टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव इंटू फोर्टीन सेंटीमीटर ए यह हड़प्पा काल के मोहनजोद्रो में पाया जाता है यह टेराकोटा से बना है आकार 8.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है बी मोहनजोदड़ों में मिला और सेलखड़ी से बना आकार 2.5 पॉइंट फाइव इंटू सेंटीमीटर है सेवन राइट एंड एप्रिसिएटिव नोट ऑन लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ सारनाथ का सिंह शीर्ष पर एक प्रशंसात्मक टिप्पणी लिखें loin capital is the top part of the pillar at sarnath it is from the Ashoka period 3 bce it is a composite sculpture of four seated lions it is believed that it was at this site buddha preached his first sermon according to hensang the pillar was 70 foot high with shining polish the sculpture shows a highly advanced form of art it has been adopted as the emblem of government of india सिंह शीर्ष सारनाथ में स्तंभ पर शीर्ष भाग है यह अशोक काल तीन ईसा पूर्व से है यह चार बैठे शेरों की एक समग्र मूर्ति है ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उद्देश्य दिया था हेन्द सांग के अनुसार चमकदार पॉलिस के साथ स्तंभ सत्तर फुट ऊंचा था मूर्ति कला कला का एक अत्याधिक उन्नत रूप दिखाती है इसे भारत सरकार के प्रतीक के रूप में अपनाया गया है एट राइट अ शॉर्ट नोट्स अबाउट द टेक्निक एंड मेथड ऑफ अजंता पेंटिंग अजंता की भित्ति चित्रों को बनाने की तकनीक तथा विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अजंता वाज बुद्धि सेटलमेंट नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र द वाल सेलिंग एंड फ्रंट पार्ट ऑफ छतिया एंड विहारास आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विथ पेंटिंग द टेक्निकल मेथड ऑफ़ अजंता पेंटिंग इज़ टेम्पेरा A rough रफ plaster प्लास्टर कंटेनिंग dung एंड एनिमल हेयर was फर्स्ट प्रेस्ड ऑन द रॉक्स a कोट ऑफ फाइन लाइन प्लास्टर वाज लेड ओवर इट द कलर was अप्लाइड आफ्टर द ग्राउंड was completely ड्राई द कलर्स आर obtained from vegetation एंड मिनरल्स आर mixed with ग्लू बाइंडर जनता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बहुत बस्ती थी क्षेत्रों और विहारों की दीवारों छतों और सामने के हिस्से को चित्रों से खूबसूरती से सजाया गया है अजंता चित्रकला की तकनीकी पद्धति टेम्परा है गाय के गोबर और जानवरों के बालों से युक्त एक खुदरा मिट्टी का लेप पहले चट्टानों पर दबाया जाता था ज़मीन के पूरी तरह से सूख जाने के बाद उस पर महीन रेखा के प्लास्टर की एक परत बिछा दी जाती थी रंगों को वनस्पति से प्राप्त किया जाता है और खनिजों को गोंद बांधने की मशीन से मिलाया जाता है नाइन हाउ डिड राजस्थानी मैनेचर पेंटिंग डेवलप्स राजस्थानी लघु चित्रकला का विकास कैसे हुआ rajasthani miniature painting flourished from 16th to 19th ce it was inspired and influenced by jain manuscript painting of gujarat this style matured during 170 ce its popularity spread all over parts of rajasthan the technique and style are renewed basically same as that by mural of classical period but it followed few things from mughal painting in the later period सोलहवीं से उन्नीसवीं ईस्वी तक राजस्थानी मिनेचर पेंटिंग खूब फली फूली यह गुजरात के जैन पांडुलिपि चित्रकला से प्रेरित और प्रभावित था यह शैली 170 सौ ईस्वी के दौरान परिपक्व हुई इसकी लोकप्रियता पूरे राजस्थान में फैली हुई है तकनीक और शैली मूल रूप से शास्त्रीय काल से भित्ती के समान ही नवनीकृत हुई लेकिन बाद की अवधि में मुगल चित्रकला से कुछ चीज़ों का पालन किया टेन टेबुलेट टू पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर पीरियड एंड इंडिकेट द स्टाइल जहांगीर के काल के दो चित्रों तालिकाबद्ध करते हुए उनकी शैली निर्देशित करें इन जहांगीर टाइम मुगल पेंटिंग अचीव्ड इट्स जेनिथ बोथ एज डेकोरेटिव आर्ट एंड एंड द नेचर स्टडी अब्दुल हसन वाज वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ जहांगीरस कोट ही पेंटेड जहांगीर होल्डिंग अ पिक्चर ऑफ मैडोना दिस पेंटिंग हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न स्टाइल फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट इज पेंटेड बाई मोस्ट फेमस पेंटर उस्ताद मंसूर हु इज़ नोन फॉर स्टडीज़ ऑफ बर्ड्स इट इज पेंटेड ऑन टेम्पेरा विथ रियलिस्टिक डिटेल्स जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला ने सजावटी कला और प्राकृतिक अध्ययन दोनों के रूप में अपने चर्मोत्कर्ष को प्राप्त किया अब्दुल हसन जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे उसने जहांगीर को मैडोना की तस्वीर लिए हुए चित्रित किया इस चित्रकला पर पाश्चात्य शैली का प्रभाव है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट को सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किया गया है जो पक्षियों के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं यह यथार्थवादी विवरण के साथ चित्रित किया गया है सी लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर एलेवन डिस्क्राइब द टेक्निक मटेरियल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फेमस नटराजा स्कल्पचर प्रसिद्ध नटराज मूर्ति की तकनीक प्रयुक्त सामग्री तथा विषय वस्तु का वर्णन करें नटराज इमेज ऑफ चोला ब्रोंज इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड सिम्बॉलिक प्रेजेंटेशन। इट इज़ एन इमेज ऑफ सीवा एंगेज इन द डांस ऑफ यूनिवर्स एंड ट्रैम्पलिंग ऑन द डॉट ऑफ इल्यूशन इट इज़ मेड ऑफ ब्रोंज द टेक्निक एक्सेलेंस रिज द हाई स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द चोला डायनेस्टी द कॉस्मिक डांस ऑफ शिव रिप्रेजेंट्स द इंसेंस ऑफ द हिंदू कंसेप्ट ऑफ लाइफ चोल कांस की नटराज प्रतिमा अपनी सुंदरता और प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए सबसे लोकप्रिय है यह ब्रह्मांड के नृत्य में लीन और भ्रम के बौने को रोदते हुए शिव की एक छवि है यह कांस से बना है चोल राजवंश के दौरान तकनीकी उत्कृष्टता उच्च स्तर तक पहुंच गई थी शिव का लौकिक नित्य जीवन की हिंदू अवधारणा के सार का प्रतिनिधित्व करता है ट्वेल्व well, Write at least 30 words on the style of construction of Gol Gumbad. Gol Gumbad ki par kam, se kam tis sabd likhe. Gol Gumbad was in 17 c in Bizapur of Muhammad Adil Shah. The architecture of Gol Gumbad has Egyptian, Turkish and Persian influence. The double-layered roofing style of Iran was used. This is the biggest dome in India in which the inner layer of the dome is rounded within semi-circular form. वेयर एज द आउटर लेयर इज कॉनिकली नैरोड देआर फोर ऑक्टेगनल मीनार विथ सेवन स्टोरेज गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह के बीजापुर में सतवीं ईस्वी में था गोल गुम्बद की वास्तुकला मिश्र तुर्की और फारसी प्रभाव है ईरान की डबल लेयर रूफिंग स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था यह भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है जिसमें गुम्बद की भीतरी परत अर्धवृत्ताकार रूप में गोल है जबकि बाहरी परत शंका रूप से संक्रिय है सात मंजिला चार अष्टकोणीय मीनारे हैं थर्टीन गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द टेम्पल आर्ट ऑफ एटीन सी सी ई इन इंडिया भारत की आठवीं शताब्दी के मंदिरों की कला पर एक भूमिका लिखें द रेगुलर बिल्डिंग ऑफ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स इन ब्रिक्स एंड ड्रेस्ड स्टोन्स वीगेन इन द गुप्ता एज डूरिंग एटीन सी सी ई देयर वॉज प्रोलाइफ बिल्डर्स एक्टिविटीज थ्रू आउट इंडिया द पलास इन द ईस्ट चोलाज एंड पल्वज इन साउथ राष्ट्रकूटाज एंड चंदेलाज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया ब्यूटीफुल टेम्पल्स फ्रॉम एट सी सी ई टू टेंथ सी सी ई ईंटों और गढ़े हुए पत्थरों में संरचनात्मक मंदिरों का नियमित निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ अठारहवीं ईस्वी के दौरान पूरे भारत में प्रोलाइफ बिल्डरों की गतिविधियाँ थीं पूर्वी चोल और दक्षिण में पल्ल भारत के मध्य भाग में रस्तकूट और चंदेलों ने अठारहवीं से दसवीं ईद तक सुंदर मंदिरों का निर्माण किया फोर्टीन एस एज द रोल ऑफ अमृता शेरगिल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्पररी इंडियन आर्ट भारतीय समकालीन कला के विकास में अमृता शेरगिल की भूमिका का मूल्यांकन करें अमृता शेरगिल ट्रेंड इन पेरिस अपियर्ड इन द आर्ट सीन ऑफ इंडिया सी कम्बाइंड द वेस्टर्न टेक्निक विथ इंडियन स्प्रिट विच अपीय द यंग जनरेशन ऑफ इंडियन पेंटर्स Amrita's aim was to create an art connected with soul. Most of her compositions are based on simplification of forms and colors. She was influenced by Ajanta, Mural's, and Rajput paintings. On the other hand, she was an admirer of Gauguin and Modi of Leon Young. Contemporary painters found their inspiration in her style and forms. पेरिस में प्रशिक्षित अमृता शेरगिल भारत के कला परिदृश्य में दिखाई दी उन्होंने पश्चिमी तकनीक को भारतीय भावना के साथ जोड़ा जिसने भारतीय चित्रकारों की युवा पीढ़ी को आकर्षित किया अमृता का उद्देश्य आत्मा से जुड़ी एक कला का निर्माण करना था उनकी अधिकांश रचनाएं रूपों और रंगों के सरलीकरण पर आधारित हैं वह अजंता के भित्ति चित्रों और राजपूत चित्रों से प्रभावित थीं दूसरी ओर वह गोंग्विन की प्रशंसक थीं और लियान व समकालीन चित्रकारों के मोदी ने उनकी शैली और रूप में अपनी प्रेरणा पाई फिफ्टीन दिस फोल्क आर्टिस्ट आर ऑर्डनरी पीपल एंड यूज वेरी सिंपल मेथड एंड मटेरियल एक्सप्लेन लोक कलाकार सामान्य जन हैं और वह घरेलू सामग्री एवं स्थानीय साधनों पर ही निर्भर रहते हैं व्याख्या करें द रूलर और फोल्क सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अर्बन कल्चर द फोल्क पीपल इंजॉय अ पीसफुल लाइफ विदाउट much aspiration so the folk painters also less ambitious and simply want to express through art and serve the society as well folk artists use very simple methods and materials they depend on locally available materials they prepare colors from vegetation and minerals a piece of cloth or cotton wrapped in a string serves as brush the canvas is the wall courtyard and cutting of ruler hut मीण या लोक समाज शहरी संस्कृति से अलग हैं लोक लोग बिना किसी आकांक्षा के शांतिपूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं तो लोक चित्रकार भी महत्वाकांक्षा कम करते हैं और केवल कला के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं और समाज की सेवा भी करना चाहते हैं लोक कलाकार बहुत ही सरल विधियों और सामग्रियों का उपयोग करते हैं वे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री पर निर्भर हैं वे वनस्पतियों और खनिजों से रंग तैयार करते हैं धागे में लपेटा हुआ कपड़ा या रूई का टुकड़ा ब्रश का काम करता है कैनवास ग्रामीण झोपड़ी की दीवार आंगन और कटिंग है सी लिंक एट डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर